बहुत दिनों बाद चार्ज को भी बड़े स्मार्ट बन रहे चार्ज बना खुद स्मार्ट हो गया खूब सुंदर बन गया पहली बार सेहत साफ बन गया है पहली बार ऐसे तारीफ सुन रहा मैं अपने सेहत के बारे में दादी प्रणाम प्रणाम तो दोस्तों यहाँ पे सुबह हो चुकी है। देखिए बाहर आज मौसम भी बिल्कुल क्लाउडी हो रखा है और आसमान में बादल छाए हुए हैं और अब यहाँ पे बागेश्वर जैसे जनपदों में बहुत भारी भरकम बारिश की संभावना जताई जा रही है। बहुत ज्यादा आंधी तूफान आने वाला है और ये देखिए यहाँ का मौसम भी रंगीला हो रखा है। थोड़ी धूप थोड़ा बादल छाए हुए हैं, हवा भी चल रही है हल्की हल्की, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे सुबह की 8:30 हो चुकी हैं और अभी तक हम लोग घर में बैठे हुए हैं। हमने रोपाई करने जाना था और यहाँ पे हम बाड़ी बना चुके हैं तौले पे तौला था हमारा एक पीतल का तौला था और उस पर हम बाड़ी बनाते थे और बाड़ी बना के ले जाते थे खेत में, लेकिन इस बार हम लोग रोपाई नहीं कर रहे हैं और सारे खेत देखिए यहाँ पे बिना पानी के कैसे हो रखे हैं। कहीं भी रोपाई वाला खेत नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने बिजाड़ा डाला हुआ है। देखा बिजाड़ कहते हैं ये धान रोपे हुए हैं और जब पानी होगा बरसात होगी तो पानी हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ से इनको कलेक्ट करेंगे निकालेंगे और फिर रोपेंगे। रेनो खाली खाली बैठी हुई है, ये घर में है और बाकी दिव्या तो चली गई है बैल चराने के लोगों के खेत में, है ना, बल्द चराने। और ये मौसी है, कांसी माँ है, कांसी है, खाला है। और रोटी बना लेना, रोटी बनाए की बनाए रोटी में सब्जी बनाई चाय बनाई। ये माँ है, ये माँ है, ये दोनों खास बहनें हैं, खास बहनें। अब तो इसे ऐसा ना बोल दो। ये 6 बहनें हैं, सबसे छोटी मौसी है, फिर माँ है, फिर एक मल्यासु में है वो चली गई है। तीन, ये 6 बहनों में 3 बहनें रह गई हैं, एक तड़ाक वाली जेठी माँ रह गई हमारी और ये 2 बहनें। ये तो अभी 50 साल और रहने वाली हैं, नहीं नहीं 50 साल और रहने वाले हैं। बोझ नहीं नहीं बोझ क्यों बनेंगे, 50 साल और रहेंगे तो बोझ ही बनेंगे भाई। बोझ माँ बाप नहीं होते हैं, बोझ तो बच्चे होते हैं, बच्चे का मानने लगे वो भी बोझ नहीं होते, परेशान कर देते हैं माँ बाप को, परेशान कर देते हैं, कहना नहीं सुनते हैं, ए अखो हे इनकर हे फलाना, और आते ही नहीं बच्चे, मोबाइल में लगे हुए आजकल के बच्चे और बुए बाप परेशान। तो अब काम धाम कुछ नहीं आजकल था हमारी, और थोड़ी ची लो माँ सुबह सुबह एक खेत में गुडाई निराई करके आ गई, बोला मौसी ने नाश्ता बनाया घर में खाना हमारे लिए और खाया किसी ने नहीं अभी तक, तुम दोनों ने खा लिया। देखिए गाइस ये भगवान, मैंने खाना नहीं खाया, इन दोनों माताओं ने खाना खा लिया, ये भगवान कैसा कलयुग आ गया ये। एक्चुअली मैं उनको लगा कि मैं अभी उठा नहीं, मैं सुबह उठ गया था फ्रेश व्रेश होकर एडिटिंग कर रहा था और मैं तो तैयार हूँ, लेकिन उनको लगा कि ये उठा ही नहीं अभी तक। तो फिलहाल धूप तो यहाँ आ गई है लेकिन अभी 8:30 हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। चले जी, मैं सुरेंद्र रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आज के ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग तो मैं पहले ही कर चुका हूं, लेकिन आप लोगों से इंट्रोडक्शन अब ले रहा हूं अपना, नहीं अब कर रहा हूं। तो फिलहाल तो भाई हम चलते हैं, ब्लॉग बनाते हैं और नाश्ता करते हैं और पेड़ काटते हैं और इसके बाद देखते हैं। पेड़ नहीं काटेंगे, पेड़ से जो घास है उसको काटेंगे और देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होता है, तो आपको ब्लॉग में हम दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल हम नाश्ता करते हैं और उसके बाद घास काटने के लिए चलते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, बारिश नहीं हो रही है, तो कहा जा रही भाई पानी के भरने के लिए, तो चलिए आपको दिखाते हैं पानी कैसे भरते हैं। हमारे यहाँ पे पानी तो है हमारे घर के पास, लेकिन वो धारे से नलके से नीचे उतर गए है और जमीन में खिसक गया है। तुम रोटी धारा बो मैं नाश्ता धारा सजा दे जाता है, चलो आई मैं, चलो आपको पानी दिखाते हैं। हमारा जो पानी है शुद्ध पानी है भाई, शुद्ध पानी, बहुत ही प्योर पानी है।
और वहीं पर निकलता है वो पानी, और उसके बाद हम उसको आजकल किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी दिखाते हैं। बाहर फिलहाल देखिए यहाँ नीचे हमारे हमारा ये हौज, तो यहाँ पर वो सारा पानी कलेक्ट होता है जो हमारे धारे से नीचे आता है, तो इससे ही हम रोपाई करेंगे। तो अब जब बरसात होगी तो ये हौज पूरी तरह से भरी रहेगी और ऊपर से पानी नीचे गिरता रहेगा, गदरे में भी पानी आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पर मैंने गेट बनाना था, ये और गेट कैसे बनाए मैं भूल गया पिछली बार, तो मैं अब आया एक दो महीने बाद घर, तो ये देखिए यहाँ पे तो इस पे फूल आ गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक लकड़ी लगा दूंगा, एंगल लगा दूंगा और उसको अच्छे से गेट बना दूंगा, हाई बना दूंगा, हाइट पे बना दूंगा इसको। तो अब ये नीचे है, सगोड़ा भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, इस सगोड़े में भी इन्होंने कुछ ना कुछ बोया होगा, तो आप देखते हैं इसमें क्या होगा। तो फिलहाल ये पानी हमारा, पानी तो बहुत है गाइस, यहाँ पे दो तीन परिवार रहते हैं हम लोग, और हम दो तीन परिवार के लिए पानी इतना है कि हम आराम से यहाँ पर पानी पी सकते हैं। लेकिन हम जाते हैं थोड़ा सा 100-200 मीटर नीचे पे, जहाँ पर बहुत सारा ताज़ा पानी निकलता है, एकदम जमीन से खेत में निकलता है, और उस पानी को हम लेके आते हैं। पानी बहुत है यहाँ, लेकिन हमारे घर के पास थोड़ा कम है। तो गाइस ये देखिए हमारा जो धारा है इस तरह से सूख गया है, पूरी तरह से धारा सूख गया है हमारा, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से हम पानी निकाल रहे हैं कुएं से। तो यहाँ पर जितना भी कितनी भी बाल्टी भर लो आप कुएं पे, गंदा गंदा पानी आ रहा है इसमें, ये पानी कभी खत्म नहीं होता है। तो ये सारा जो ऊपर का पानी है वो नीचे सरक गया है और नीचे ही पानी आता है और उसके बाद इस खाल में जाता है, खाल से नीचे हौज में। तो ये ले गई है पानी, तो एकदम से एक मिनट के दो मिनट के भीतर भीतर इसने ये सारा पानी भरा है। तो ये हाथ मुंह धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए ये पानी जाता है, और हम पीने के लिए भी इस पानी को निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन यहाँ पे ये पानी हमें सफाई से रखना पड़ेगा। तो गाइस ये हमारी पुंगड़ी में राई हो रखी थी और अपने आप हुई बोला ये राई, तो ये राई ला रखी हमने कढ़ाई भर की, और हम अब दोपहर में बनाएंगे इसको कढ़ी के साथ या दाल के साथ। तो मुझे जो हरी सब्जी अच्छी लगती है वो कड़ी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, दाल के साथ ज़्यादा सब्जी अच्छी नहीं लगती मेरे को। तो मैं तो अकेले के दाल सलाद के साथ चावल खा लेता हूँ, यानी कि भात खा लेता हूँ। और यहाँ हमारे किचन में पता नहीं क्या क्या बना है, और मौसी रख रही है खाना हमारे लिए, नाश्ता करते हैं और उसके बाद चलते हैं घास लेने के लिए। तो इस पर दीदी ने दूध दिया होगा, तो दूध गर्म हो रहा है, मैं वो दूध आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ दाग लग जाएगी, हमारे जो गाय भैंसे होते हैं वो तो दीदी की गाय ने दूध दे रखा है ना, तो मैं नहीं चाहता कि दीदी की गाय दूध देना बंद करे, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा नहीं ये दूध। तो फिलहाल सब्जी बना रखी है, ये रख दिया मेरे लिए, ये किस चीज़ की सब्जी है, कद्दू की सब्जी बना रखी है, कद्दू की सब्जी। पहले मुझे कद्दू की सब्जी सबसे अच्छी लगती थी, अब मुझे कोई भी सब्जी अच्छी नहीं लगती है, और रोटी इतनी रोटी तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं मुश्किल से दो तीन रोटी खाऊंगा। और तब फिलहाल गाइज ये हमारा फ्रिज है, और इस फ्रिज पे हमने बहुत कुछ रखा हुआ है, ये जब कोई घर आता है तभी इस फ्रिज में कुछ कोई चीज आती है, हमारा घर आना जाना कुछ कम हुआ तो माँ या अभी मौसी है तो कौन जाएगा मार्केट इधर उधर से, तो फ्रिज बेचारा इसमें या तो पानी रहेगा या तो दूध रहेगा, घर की चीजें रहेंगी बस, बाहर की चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये कल मैं लेके आया हूँ, तो तब जाके ये यहाँ पे जूस की बोतलें हैं, नहीं तो यहाँ पे कद्दू वगैरह वगैरह घी वगैरह वगैरह रखी है, आने पे भी जूस था भाई उसपे था, उसी खत्म करके गए। अच्छा तब कोई आया होगा तो लेके आ गया होगा, टमाटर रखे नहीं लाई थी है, तब मौसी लेके आई थी। अब ये स्कूल जा रहे हैं चाची, चाची की ड्यूटी है भोजन माता है, तो ये अन्नपूर्णा है स्कूल की अन्नपूर्णा, तो यहाँ पर ये सारा सामान ले जाया जा रहा है। तो इसका बिल कौन पे करेगा, स्कूल वाले? स्कूल वाले करेंगे। हाँ फ्री में तो दे रहे चाची, फ्री में तो तुम देना, अच्छा भर के लेना दूध, खीर बनाना आज, हाँ चाय बनाना, से चाय नहीं बनाऊंगी स्कूल में। अच्छा तो यहाँ पर ना खीर बनेगी, मीठा भी बनता होगा हफ्ते में, अंडे भी बनते होंगे शायद, हाँ। और तो चाची तो चले गए हैं स्कूल में खाना बनाने के लिए बच्चों के लिए, क्या कहते हैं मिड डे मील, मिड डे मील बनाने के लिए। और रेनू की ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे बर्तन धोने के लिए, ठीक है रेनू धो रही है बर्तन, पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे,
नीचे से धारे से लेके आना पड़ रहा है पानी उठा के। और यहाँ पर इस सगोड़े में पता नहीं क्या क्या बोया रहे हैं, यहाँ अभी कुछ नहीं बोया, यहाँ अभी गोबर की खाद डाल दी है और यहाँ पर कुछ चीज सगोड़े में बोने की तैयारी की जा रही है। और यहाँ माँ ने पता नहीं क्या लगाया होगा, यहाँ पे मक्का तो नहीं लगा, मुंगरी है, अभी मुंगरी लगा दी है। तो रोपाई के टाइम पे ये मक्का खरीफ की जो फसल है उसको भी बोया जाता है। तो यहाँ पे अभी माँ बीज बो रही है कुदाल से, लोगो काखड़े भी लोगो वा तो बिमला डालो गोल पर लगाए जो डालो मैं लोग चोड़ जो। तो क्लाइंबर होते हैं गाइज, बेल क्लाइंबर जो ऊपर चढ़ती हैं पेड़ों पे या ठाकुरों पे। तो फिलहाल मेरा नाश्ता यहाँ पर इंतजार कर रहा है, तो चलिए खाते हैं। और दूध के साथ कद्दू की सब्जी है और रोटी है, 5 रोटी रखी थी, 3 रोटी मैं खाता नहीं, 3 या 4 मुश्किल से, तो मैं 3 रोटी यहाँ पर रखी है, 2 वापस कर दी है। नाश्ता भी हो चुका है मेरा और आपको मिलाते हैं अन्य लोगों से। तो यहाँ पे हमारे दादी जी से मिलो, बहुत दिनों बाद दादी जी हमारी, दादी प्रणाम प्रणाम बाबा। ये हमारी दादी 1-1.5 महीने बाद दिखाई दे रही है। अरे देखो हमारे चाची रोज दिखाई दे रहा है ना, रोज बहुत दिनों बाद चाची को दिखा रहा हूँ। बड़े स्मार्ट बन गया चाची का नाम, खुद स्मार्ट हो गया, खूब सुंदर बन गया है। पहली बार सेहत साथ बन गया है, पहली बार ऐसे तारीफ सुन रहा मैं अपने सेहत के बारे में। मेरे तो उसके साथ अनबन कर लेना, अनबन मतलब क्या बोलते हैं, डील कर ले कि भाई शादी उसकी होगी पहले, लेकिन अच्छा अलग अलग लेवल की लड़कियां है ना। अच्छा आज को लग रहा होगा कि यह सूर्य के साथ मैच किया ना, वो तेरे लेवल किया है और तेरे को चाहिए तो मैं तेरे को बायोडाटा सेंड कर, देख रहे हो आप। अभी आप लोगों से मैं ये बात शेयर नहीं करूंगा, ठीक है, ये सीक्रेट है। दगड़ी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ शहद की निकासी, तो कैसे यहाँ पे शहद निकाला जाता है। तो आज यहाँ पर मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ा जा रहा है और वहां से शहद निकाला जा रहा है।